नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल शर्मा। और कल के मुकाबले के लिए जो इंतजार किए जा रहे थे वो इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि कल सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। लेकिन मुकाबला अहम है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि कौन से एम्पायर होंगे और ऑन फील्ड एम्पायर कौन से होंगे, थर्ड एम्पायर कौन से होंगे और कौन से होंगे वहाँ पे कमेंटेटर, जिनकी आवाज़ में पूरा आप जो भी एक्शन देखने को मिलेगा, थ्रिल देखने को मिलेगा, किस आवाज़ में आप इंजॉय करते हुए नजर आएंगे, यानी कमेंटेटर्स कौन होने वाले हैं। आपको सबसे पहले कमेंटेटर्स बता दूं जो इंग्लिश कमेंटेटर्स हैं, हर्षा बोगले, रवि शास्त्री, यान स्मिथ, साइमन डोल, दिनेश कार्तिक, नासिर हुसैन, सुनील गावस्कर, यान मोर्गन, संजय मांजरेकर और अंजुम चोपड़ा। मतलब रवि शास्त्री जहाँ पे हो, हर्षा बोगले वहाँ पे हो, तो कमेंटेटर्स में और थोड़ा सा कहते हैं चार चांद लग जाते हैं, उस लम्हे को आप इंजॉय कर पाते हैं। ऐतिहासिक मोमेंट में इन दोनों ने कमेंट्री की है और ऐसे ही कमेंट्री में हमें आनंद देते रहेंगे। लेकिन एम्पायर्स की आपको बता दूँ, एम्पायर कौन कौन से होने वाले, ऑर्निंग फाइट कौन से हैं और थर्ड एम्पायर कौन से होने वाले हैं, आपको ये भी बता दूँ। और एम्पायर्स की अगर बता दूँ तो वहाँ पे ऑन फील्ड एम्पायर दो आपको नजर आएंगे, जो रिचर्ड इलिंगवर्थ, रॉड टकर जो ऑन फील्ड एम्पायर आपको नजर आएंगे, वहीं जॉल विल्सन थर्ड एम्पायर आपको नजर आएंगे। तो तीन एम्पायर कल के लिए जो घोषणा की गई है, क्योंकि एम्पायर का फैसला सर्वमान्य होता है, तो वहाँ पे देखना होगा किस तरीके से वहाँ पे फैसला दिया जाता है। और मुंबई के वानखेड़े में मुकाबला है, जहाँ पे कह सकते हैं कि जब भी भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला होता है तो वहाँ पे और कसमकस बढ़ जाती है और थोड़ा थ्रिलिंग मोमेंट होता है, क्योंकि 22 तारीख यानी 22 अक्टूबर को धर्मशाला में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हरा चुकी है, लेकिन वहाँ पे केन विलियमसन नहीं थे और अब केन विलियमसन की वापसी हो गई है। लेकिन यह है कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, 2019 वर्ल्ड कप चाहे आप गिन लीजिए, 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल गिन लीजिए, जहाँ पे भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे भारतीय टीम अपने सरजमी पे खेल रही है, अपने गढ़ में खेल रही है और भारतीय खिलाड़ी फॉर्म में है, अनबीटेन है। और यहाँ एक गलती आपको भारी पड़ सकती है, इसलिए सेमीफाइनल में फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। और भारतीय टीम से उम्मीद तो यही है कि भारतीय टीम जीते और फिर जाए अहमदाबाद में, जहाँ पे चाहे साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलियन टीम हो, वहाँ से भिड़ते हुए नजर आए और 19 तारीख को खिताब जीते, और यही हम सबकी कामना है। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।